बिलासपुर जिला के चड़ोल के पास टूरिस्ट ट्रैवलर लगभग 500 फीट गहरी खाई में गिरी। सड़क हादसे में ट्रैवलर में सवार 17 लोग घायल तो 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर घायलों को खाई से निकाला और उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी पर्यटक गाजियाबाद के रहने वाले हैं। मनाली जाते समय ट्रक के ओवरटेक के चलते ये सड़क हादसा हुआ। हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के तत्वाधान में 13 से लेकर 16 नवंबर तक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर में आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में प्रदेश भर से 700 स्कूली विद्यार्थी हिस्सा लेंगे, जबकि 100 के करीब गाइड टीचर साथ आएंगे। इस बड़े आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। खास बात ये है कि सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने वाले स्कूलों के 100 विद्यार्थियों के लिए बंगलुरु की इंटरनेशनल अगस्त्या फाउंडेशन 10 व 11 नवंबर को एक विशेष ट्रेनिंग का आयोजन कर रही है और ट्रेन बच्चे सम्मेलन में मॉडल्स के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग बिलासपुर के उप निदेशक सुदर्शन कुमार ने ये खुलासा किया है कि उन्होंने टूरिज्म के होटल लेकव्यू कैफे में पत्रकारों से बातचीत में राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन के दौरान व्यवस्थाओं के लिए 13 कमेटियों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 में बिलासपुर में ये आयोजन हुआ था और 10 साल बाद फिर से इस जिला को मेजबानी मिली है। जिला बिलासपुर के एक पंचायत में घायल महिला को 4 व्यक्तियों के द्वारा पालकी पर उठाकर सड़क तक पहुंचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से आम जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वायरल वीडियो की जानकारी प्राप्त उपरांत मीडिया की टीम ने पीड़ित व्यक्ति से संपर्क साधा तो ज्ञात हुआ कि ये वीडियो घुमारवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र की अमरपुर पंचायत के अंतिम बस्ती के एक परिवार से संबंधित है। सड़क की खस्ता हालत के चलते पीड़ित परिवार को समस्याओं का सामना उठाना पड़ता है। इस पीड़ित परिवार एवं अन्य परिवारों को सड़क सुविधा तो है मगर हालत खस्ता एवं दयनीय है। रोचक बात तो ये है कि बस्ती से कुछ दूरी पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह निवास है, जो कि विजयपुर पंचायत में पड़ता है, जबकि इस स्थान से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर का निवास स्थान है, जो कि ओहर पंचायत में पड़ता है। इतने प्रभावशाली नेताओं के गृह निवास नजदीक होने के चलते भी प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान इस समस्या के निदान पर केंद्रित न होना किसी बड़े दुर्भाग्य से कम नहीं कहा जा सकता है। पीड़ित उमाकांत शर्मा का कहना है कि उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। उसकी मां घरेलू कार्य करते समय गिर गई थी, जिसे 4 दिहाड़ीदार लोगों को बुलाकर अस्पताल ले जाने के प्रति सड़क तक पहुंचाया, जो कि उन्हें बड़ा पीड़ादायक प्रतीत हुआ। सात और 8 नवंबर को धर्मशाला में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जहां करोड़ों रुपए के MOU साइन होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं इन्वेस्टर मीट के जरिए प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होने का भी दावा किया जा रहा है। वहीं अब इन्वेस्टर मीट को लेकर कांग्रेस पार्टी के विधायक अब प्रदेश सरकार पर निशाना साधने से भी पीछे नहीं दिख रहे हैं। वहीं नैना देवी से कांग्रेस पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने प्रदेश की सड़कों की बदतर हालत का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार से इन्वेस्टर मीट का आयोजन करने के बजाय इन सड़कों की हालत को सुधारने की नसीहत दी है। रामलाल ठाकुर का कहना है कि शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे की हालत खराब है, मगर प्रदेश सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है, जिसके चलते आमजन से लेकर पर्यटकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने सड़कों की हालत खस्ता होने के चलते जहां धर्मशाला व मनाली जाने वाले पर्यटकों की संख्या घटने का आरोप लगाया, तो साथ ही इसका असर प्रदेश में स्थापित उद्योगों पर भी पड़ने की बात कही।